हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ ये बिस्किट और इससे मैं कुछ इनोवेशन करूँगी यार। तो पहला ना मैरीगोल्ड मैं ली थी, नॉर्मल से जो मैरीगोल्ड मिलता है ना, इसका वीटा का वर्जन मैं ली थी क्योंकि वही मेरे पास था घर पे। तो ये कुछ इस टाइप का है, थोड़ा लाइक बड़ा भी था नॉर्मल मैरीगोल्ड से भी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले पता है? अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग हंस लोगे यार। तो अभी हम लोग इसके ऊपर ना जैम लगाने वाले हैं और इसको जिम जैम बिस्किट की तरह बनाने वाले हैं, और मैं रिव्यू भी दूंगी कि ये किस टेस्ट पे आ रहा है, क्या जिम जैम टेस्ट को बीट कर पाता है, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो मैं ट्राई की थी रखने के लिए है वो स्पून से, लेकिन हो नहीं रहा था मेरे से। तो ये बिस्किट ना आप नॉर्मली 5 रुपये का मिल जाता है, लेकिन जिम जैम जो होता है 10 रुपये का मिलता है। तो मैंने सोचा घर पे ही जिम जैम बना देंगे हम लोग जैम से। तो ये ना जिम जैम से भी ज़्यादा कॉस्ट मुझे पड़ा था, 20 रुपये का जैम और 10 रुपये का बिस्किट, यानी कि 30 रुपये हो गया ये जिम जैम बिस्किट बनाने के चक्कर पे यार। तो ये मैं जैम रख रही हूँ यार, तो मैं ऑप्टिमम लेवल की जैम रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जैम रखेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसीलिए। तो अभी जैम के ऊपर हम लोग और एक बिस्किट से इसी को कवर कर देंगे। तो अभी ये कवर हो चुका है, अभी हम लोग देखो बाइट लेने वाले हैं। तो पहला बाइट हम लोग लिए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, कैसे बताऊँ। जिम जैम का टेस्ट ना पूरी तरीके से तो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि लाइक आप तो जानते हो यार जिम जैम कितना महंगा होता है, और उसके अंदर जो वाइट क्रीम होता है, इसमें वाइट क्रीम नहीं था तो इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा लाइक कम हो गया था यार। तो आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस, अगर आपको ट्राई करना है तो 1-2 बार आप ट्राई कर सकते हो यार, मेरे ख्याल से आपको एक बार तो ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने रिव्यू बताइएगा कि ये मेरा सेकेंड इनोवेशन है। फर्स्ट इनोवेशन ऑलरेडी मैं अपलोड की थी गाइस, और कुछ नहीं गाइस। Bye guys, see you in the next video.